आखिर ऐसा क्या कह दिया था उस बूढ़े आदमी ने, जिसे सुनकर राघव के पांव तले जमीन खिसक गई। क्या राघव पूरी तरह से सुनहरी विद्या पा सकेगा? क्या राघव की क्लिनिक सच में बंद हो जाएगी? उस आदमी के चोगे से हर तरफ से खून टपक रहा था और खून की बूंदे फर्श पर गिर गिर कर चारों तरफ बह रही थी। ये देखकर राघव चिल्लाया और बोला, बाबा ये सब क्या हो रहा है? ये खून, आपका खून क्यों बह रहा है? कुछ बोलिए प्लीज, आप हैं कौन, क्या चाहते हैं? तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और तेज बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान अभी उन पर टूट पड़ेगा। आसपास के सारे पेड़ आंधी की वजह से उखड़ने लगे और ये सब देखकर राघव की रूह कांप उठी। उस आदमी ने कहा, खतरा, तेरे चारों तरफ खतरा है। अगर तूने अपनी शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं की तो ब्लड मून से पहले जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। जल्द ही तू सब कुछ खो देगा और शुरुआत होगी तेरे किसी बहुत करीबी शख्स से। उनके इतना बोलने के बाद वहां जैसे सन्नाटा छा गया और एक जोर की आवाज के साथ वो आदमी गायब हो गया। इसी के साथ राघव की नींद खुल गई। उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, वैसे तो ये सिर्फ एक सपना था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ हकीकत में हो रहा हो। ये सपना ही था ना, या फिर कुछ और? राघव अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके बराबर वाले कमरे से उसके पापा की जोर जोर से खांसने की आवाज आने लगी। ये तो पापा की आवाज है। उनकी आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गया और भागा भागा तुरंत बराबर वाले कमरे में गया तो उसके पापा वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से खांस रहे थे। राघव ने तुरंत उठकर सबसे पहले अलमारी से उनकी खांसी की दवाई निकाली और उन्हें देते हुए कहा, ये लीजिए पापा, दवाई ले लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा। दवाई लेने के बाद सुरेश को थोड़ा बेहतर फील हुआ और तब राघव ने उनकी तरफ देख कर पूछा, लेकिन आपको अचानक से क्या हो गया था पापा? बेटा, दरअसल वो बात ये है कि मैं आराम से सो रहा था, लेकिन तभी मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसके बाद मेरी आंख खुल गई। उनकी बात सुनकर राघव को काटो तो खून नहीं, उसके पापा ने भी सपना देखा था। राघव ने अपने आप को संभाला और काफी हिम्मत करते हुए पूछा, आपने क्या सपना देखा था पापा? सुरेश ने याद करते हुए राघव को जवाब दिया, ये कोई अच्छा सपना नहीं था बेटा। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारी जान जा रही है और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसके बाद जब मैं सोकर उठा तो मेरी ये हालत हो गई थी। सुरेश का ये सपना सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर इन सपनों का मतलब क्या था? उसने अपने मन ही मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा और मुझे एक ही रात को इस तरह का सपना आया? अगर मैं अपने सपने को इत्तेफाक मान भी लूं तो क्या पापा का सपना भी इत्तेफाक है? लेकिन उनके पीछे का राज क्या है और मैं इस पहेली को सुलझाऊं कैसे? राघव का मन बेहद हताश हो चुका था। उसके अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह वो काफी भारी मन से अपने क्लिनिक के लिए निकल गया, मगर उसका क्लिनिक जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रास्ते में उसने खुद से ही कहा, पता नहीं मैं क्लिनिक क्यों ही जा रहा हूं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी बची शक्तियों को जागृत कैसे करूं। अगर इस सबके बीच किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मगर जैसे ही वो अपने क्लिनिक पहुंचा तो अपनी आंखों के सामने के नजारे को देखकर उसके होश उड़ गए। उसके क्लिनिक के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी और सब लोग उसी की बातें कर रहे थे। राघव को ये देखकर बेहद अच्छा लगा और उसने अंदर जाकर लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। तभी कुछ देर के अंदर वहां एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी जिसमें से गीता अग्रवाल बाहर निकली। जब वो मॉल के अंदर गईं तो उन्होंने वहां बनी राघव की क्लिनिक के बाहर लोगों की खचाखच भारी भीड़ देखी। ये देखकर वो हैरान रह गईं। उन्होंने क्लिनिक के बाहर खड़े आदमियों के एक झुंड के पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा, माफ कीजिए मगर आप लोग जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं क्या वो मिस्टर राघव शर्मा हैं? इस पर उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मीम साहब, ये राघव जी का ही क्लिनिक है। उनके हाथों में जादू है, जादू। चाहे कोई कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो,
वो उसे झट से हल कर देते हैं। क्या आपको भी कोई बीमारी हुई है? ये सुनकर गीता नाराज हो गई और उन्होंने तुरंत गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? बीमारी होगी मेरे दुश्मनों को, चलो हटो यहाँ से। गीता अग्रवाल ने एक दो और लोगों से पूछा, मगर सब राघव की तारीफ ही कर रहे थे, जिसे सुनकर उनके तन बदन में आग सी लग गई और वो तुरंत पैर पटकते हुए क्लिनिक के अंदर गईं। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो राघव एक मरीज की नब्ज चेक कर रहा था। उसे इस तरह से डॉक्टर जैसी हरकतें करते हुए देख गीता जोर जोर से हंसने लगी और उन्होंने सब लोगों की तरफ देखकर कहा, ये लड़का तो पागल था ही, क्या तुम सब लोगों की आंखों पर भी पट्टी बन गई है? तुम सब लोग यहाँ कर क्या रहे हो? उनका ये सवाल सुनकर वहां खड़े एक आदमी ने गीता पर नाराज होते हुए कहा, इतना सब कुछ बोलने वाली तुम होती कौन हो? क्या तुमने कभी राघव भैया से इलाज करवाया है, या फिर तुम यहाँ पर अपने दिमाग का इलाज करवाने आई हो? अब ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से एक आदमी लड़खड़ाते हुए क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और वो बस राघव को देख रहा था। उसने काफी मुश्किल से राघव के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर सब लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए और उसके बाद वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। आखिर कौन था वो आदमी और उसने ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर सब लोग पूरी तरह से हिल गए थे? क्या सच में खो देगा राघव किसी अपने को? क्या कर पाएगा राघव अपनी अधूरी शक्तियों को पूरा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी शो सुपर जमाई में।